भले ही विपक्ष में आप हैं, लेकिन कभी भी सत्ता पक्ष को आप ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि वो आपके साथ कोई ज्यादती कर सके। बहुत सारे मुद्दों पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। नीतीश कुमार को स्पेशली जब नीतीश कुमार बात करना चाह रहे थे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने ये शर्त रखा था जी। जो सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग एक बार फिर से अपने पुराने झमेलों को भुला करके साथ आ जाए। चूंकि तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करनी है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश से ज्यादा घातक तेजस्वी यादव है जी। जो बिहार का नेतृत्व है वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहा है कि नीतीश का साथ छोड़ने में ही हमारी भलाई है जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। आज की रातों रात कुछ अलग है, इसलिए कि बाबा आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे तेजस्वी और बिहार के उन तमाम दलों के सियासी गणित को। लेकिन उससे पहले जो तमाम मामले चल रहे हैं उन सभी पर सवाल भी रहेगा और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बिहार में धीमे धीमे जो सियासत है वो बढ़ रही है, अचानक से कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है या बिहार की सियासत ऐसे ही 2024 तक चलेगी। बाबा, एक बार जातीय जनगणना को लेकर चर्चा होती है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा होती है, बिहार में कई मुद्दे हो जाते हैं नीतीश कुमार भाजपा की लड़ाई को लेकर, लेकिन इस बार आतंकवाद को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। कई मंत्री और कई विधायकों ने इस पर चर्चा की है। साफ तौर पर उनका मानना है कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बड़ा हलचल है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, कई नेताओं को धमकी भी आ रही है और भाजपा के कार्यक्रम पर शक है कि आगे कार्यक्रम होगा नहीं होगा, इसलिए कि जो आतंकी गतिविधियां हैं बिहार में बढ़ रही हैं और अध्यक्ष का आना है तो भाजपा इसको खासा देख रही है और इसके जरिए नीतीश कुमार की पुलिस पर भी हमला किया जा रहा है कि बिना यूएपीए एक्ट लगाए हुए उन्होंने जो FIR दायर किया है और वो बेल ले सकते हैं इस मामले को लेकर, इन सभी चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए सनी, सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से कीजिए कि आंकड़ों के खेल में जी। आप अगर वनडे या 2020 मैच देखते हैं जी। तो उस मैच में आप देखते हैं कि अंतिम ओवर तक पूरा पब्लिक जो है मैच देखता है और कोई कोई मैच तो ऐसा होता है कि अंतिम बॉल तक जी। बिल्कुल उसी अंदाज में जो बिहार में आंकड़े हैं 243 का, उन 243 के आंकड़ों में जैसे ही तेजस्वी यादव का एक विधायक कम हुआ, आनंद सिंह की सदस्यता खत्म हुई, तो NDA में खास करके भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने लगी जी। कि हम कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़े, अब दो ही बाकी है। लेकिन यहां स्थिति जस्ट उल्टी हो गई, या 243 हो या 242 हो, अंतर तो पड़ना नहीं था जी। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अंतर जरूर पड़ रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव का एक कम हो रहा था, एक अगर उधर से कम होता तो तेजस्वी यादव को फायदा हो जाता जी, जी। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव के पास अभी जो आंकड़े मौजूद हैं, जिसमें 79 उनके पास हैं जी। इसके साथ साथ उनके महागठबंधन के साथ ही उनको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जी। यानी 19 कांग्रेस के उनके साथ खड़े हैं और 16 वाम दलों के खड़े हैं। आपने देखा होगा इधर पिछले 2-3 दिनों से AIMIM के जो एकमात्र विधायक हैं जी, जी। उनका भी सुर बदला है, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद और इसके इनके बयान से ठीक पहले जी। जब 4 मिले थे तो राजद की तरफ से ये बयान दिया गया था कि एक बचे हुए वो भी जल्दी आ जाए, वो भी जल्दी आएंगे। यानी कि सीधे तौर पे अख्तरुल इमाम का जो बयान आया है उस बयान से इशारा होता है। मैंने कोशिश किया था कि अख्तरुल इमाम से बात करें, उनके PA से हमारी बात हुई जी। लेकिन अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है अख्तरुल इमाम, क्योंकि वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, अनिर्णय की स्थिति में है। ऐसा लगा था कि बिहार में जो मुस्लिम वोटर हैं वो खिसक करके उधर शिफ्ट हो रहे हैं AIMIM की तरफ, लेकिन ये क्षणिक था, ये टफर टाइमिंग था और कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है उसमें 2 खेमे में मुसलमान बटे हुए हैं। एक खेमा जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने जी। और दूसरा खेमा नए विकल्प की तलाश कर रहा है। इन सबके बीच में जो आपने सुना होगा और लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं PFI को लेकर के या फिर जातीय जनगणना में मुसलमानों के वोट को लेकर के जी। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जो जोर है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए,
ये सारे मुद्दे सारे आंकड़े कहीं ना कहीं बिहार और देश की राजनीति पर अपना कब्जा जमाने के लिए जी। जहां देश पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रही है। कई राज्यों में आपने देखा होगा बाई हुक एंड क्रूक सरकार बन गई। वहीं बिहार की स्थिति अगर देखें तो बिहार में दो नाव पे सवार है भारतीय जनता पार्टी। पहला तो ये कि जो बिहार का नेतृत्व है वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहा है कि नीतीश का साथ छोड़ने में ही हमारी भलाई है। नीतीश पर दबाव बनाने बिल्कुल क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अगर उनसे अलग कर दिया जाए तो आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। जी जी। ऐसी स्थिति में पूरा प्लानिंग वे में आपको पता है कि जेपी नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा का पूरा कार्यक्रम है, सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक है और सभी विषयों पर गहन चर्चा होनी है। उसके बाद से रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। जी। जो जानकारी हमारे पास है उस जानकारी के हिसाब से अब तक यही है। लेकिन हम आंकड़ों की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव के पास आंकड़ा था मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का, उन आंकड़ों में जो कमी थी, अब भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों को अपने हाथ में लेना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई भला नहीं होना है और ना ही सरकार बननी है। जो विधायक दूसरे खेमे में है वो भी इस बात को लेकर के सोच विचार में पड़े हुए हैं कि आखिर किस खेमे में जाए। जो खेमा सरकार बनाए कोई वहीं जाना चाहता है। एनडीए खेमा तो चाहता होगा कि विपक्षी दल का खेमा बढ़े नहीं ताकि फिर दबाव नहीं बढ़े नीतीश कुमार के भागने का। मान लीजिए विपक्षी खेमा बढ़ते चला जाएगा तो नीतीश तो फिर पलटी मार सकते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के पास पलटी मारने का एक ही ऑप्शन है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना। अब तक अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर स्वीकार कर देता, हामी भर देता राजद, तो आप मान के चलिए कि ये हो गया होता जी। भीतरी जो खबर है वो खबर यही कह रही है कि नीतीश कुमार को स्पेशली जब नीतीश कुमार बात करना चाह रहे थे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से तो उन्होंने ये शर्त रखा था जी। जो सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग एक बार फिर से अपने पुराने झमेलों को भुला करके साथ आ जाएं। सर बाबा इसमें एक और भी खबर आ रही है जहां एक तरफ संख्या बढ़ाने की कोशिश है। खबर यह है कि कांग्रेस में सेंधमारी हो सकती है। कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक विधायक जदयू में भागने वाले हैं। हालांकि ये चर्चा बहुत पहले से है लेकिन जब से ओबैसी के विधायक राजद में गए हैं ये चर्चा और तेज हो गई। सनी मैं इसी की चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कि आखिर विधायक क्यों जाएंगे जी। अब देखिए ओबैसी के जो विधायक थे उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि वो जदयू या भाजपा में जा नहीं सकते थे जी। वो जहाँ थे वहाँ उन्हें पूरा बल नहीं मिल रहा था। देखिए विधायक को क्या चाहिए तो वो कुनबे में रहना चाहते जी। एक ऐसा ही है कि जिसमें अंगूर का दाना समझ के चलिए या फिर अनार का दाना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो बाहर से कवर करके रखता है। यानी कि कुनबे में रहने से राजनीतिक लोगों की हैसियत बड़ी होती है जी। भले ही विपक्ष भले ही विपक्ष में आप हैं लेकिन कभी भी सत्ता पक्ष को आप ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि वो आपके साथ कोई ज्यादती कर सके जी। बहुत सारे मुद्दों पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो संपर्क में हैं तो नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएंगे। नीतीश कुमार नीतीश सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार तो खुद किसी के दूसरे के कृपा के पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को 10 विधायकों की जरूरत होती, 5 विधायकों की जरूरत होती और सरकार नहीं बनती होती तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता था कि वो काम हो सकता है जी। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव इन दोनों का पलड़ा बराबर पर चल रहा है जी, जी। जो इस खेमे का सदस्य रहेगा वही बिहार की सत्ता पर आएगा या फिर नीतीश कुमार को वो काम करना होगा जो अब तक उन्होंने सोचा नहीं है। तो नीतीश कुमार भी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या भाजपा के हाथ में कुर्सी सुपुर्द करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब में एक बात नजर आ रहा है कि तेजस्वी के पास जो आंकड़े अब हो गए हैं 80 के बाद, अब हालांकि ये आंकड़े उनके पास पहले भी थे जी। लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस उनका नहीं था लेकिन अब जबकि 79 उनके पास हो गए हैं
19 का समर्थन मिल रहा है, 16 का समर्थन मिल रहा है, एक जो एमआईएम के विधायक हैं वो भी साथ में आ रहे हैं, और अगर सरकार बनती हुई कहीं नजर आएगी तो जीतन राम मांझी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं वो लगभग उस सत्ता के गलियारे तक पहुंच रहे हैं, भले ही अब 242 का ही आंकड़ा चल रहा है, लेकिन इन सबके बाद एक बात तय मान के चलिए कि जो शेष आंकड़े हैं उसका जुगाड़ किसी भी समय में भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करनी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश से ज्यादा घातक तेजस्वी यादव है। जी। अगर तेजस्वी यादव को थोड़ा सा बल मिल गया और सत्ता पर काबिज हो गए तो फिर उतरने का नाम नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के साथ एक बात है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का सुख मिल रहा है, सत्ता में रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में रहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनका जो वाई वोटर है वो खिसकेगा, दूसरे तरफ से एम जो उनका है वो भी खिसक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े का जुगाड़ किया है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर पड़ गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कि आप समझिए कि सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए थे, आपने खबर भी कल चलाया था कि तेजस्वी यादव की पूरी टीम अब उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है, लेकिन इस राज्याभिषेक में जो सबसे बड़ा अड़ंगा है वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अगर दो के भी कमी होगी तो वो पूरा नहीं होने देगी, ऐसा सामने से दिख रहा है। जी, तो भाजपा भरसक प्रयास कर रही है कि तेजस्वी का कुनबा नहीं बढ़े, इसके पीछे का कारण वही है कि तेजस्वी का कुनबा बढ़ेगा तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, और खासतौर पर नीतीश कुमार पर ये विशेष दबाव बढ़ाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी के गठबंधन की जो चर्चा है उस पर तो विराम लग ही चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी के गठबंधन पर विराम नहीं लगी है। ऐसे में कई संभावनाएं हैं और कई तरह से आंकड़े बदले भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रातोरात पे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।